की गाइस, अगर आप एक म्यूजिक लवर हो या फिर आप अपने स्मार्ट टीवी के लिए एक होम थिएटर लेना चाहते हो और आपका बजट है यहाँ पे पूरे 10,000 रुपीज। अभी 10,000 रुपीज का जो बजट है वो काफी ज्यादा है होम थिएटर के हिसाब से, बट यहाँ पे 10,000 रुपीज में जो मैं आपको 5 बेस्ट होम थिएटर बताने वाला हूँ, काफी कमाल होने वाले हैं। सभी मैंने अच्छे ब्रांड्स वाले सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे जो आपको ऑडियो आउटपुट है ना वो काफी कमाल मिलने वाला है इन होम थिएटर से। और जो अगर आप अपने पीसी के लिए भी कोई होम थिएटर लेना चाहते हो ना, तब भी आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको 5 होम थिएटर बताए हैं उन्हें आप अपने पीसी में भी बड़े ही आराम से यूज में ले सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। तो गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैंने होम थिएटर्स लिए हैं सभी का जो बेस्ट बाइंग लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी होम थिएटर्स को बड़े ही कम प्राइस में अपना बना सकते हैं। नंबर 1 Logitech Z607। गाइस Logitech की तरफ से आने वाला ये जो होम थिएटर है ये काफी एलिगेंट और प्रीमियम लुक में आपको देखने को मिल जाता है। वेल गाइस Logitech की तरफ से आने वाला ये होम थिएटर आपको अराउंड 10,200 रुपीज के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है एंड इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट होम थिएटर्स में से एक है। यहाँ पे आपको 5.1 चैनल का सराउंड साउंड मिलता है, यहाँ पे आपको 5 स्पीकर्स मिल जाएंगे, एक बेस मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात ये जो होम थिएटर है ये ब्लूटूथ अनेबल्ड है ताकि इसको रखने में और यूज करने में काफी कन्वीनियंसी रहे। अभी अगर आप अपने टीवी के लिए कोई होम थिएटर लेने का सोच रहे हैं ना, तो ये होम थिएटर सबसे बेस्ट होने वाला है आपके टीवी के लिए। यहाँ पे आपको 162/80 वॉट का RMS सिस्टम मिलता है जो कि 5.1 चैनल के साथ में काम करता है। यहाँ पे आपको सभी तरह की केबल्स देखने को मिल जाएंगे, 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 4.0 है बट अपग्रेडेबल है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको फोन से कनेक्ट करना चाहते हैं। पर अगर आपकी कमरे की जो लेंथ है वो 10 मीटर के अराउंड है तो आप इस होम थिएटर को आराम से वहाँ पर यूज कर सकते हो क्योंकि इसका जो ब्लूटूथ सपोर्ट है वो 10 मीटर तक ही काम करता है। फिर यहाँ पे आपको कार्ड या फिर पेन ड्राइव के लिए पोर्ट देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप इसको पेन ड्राइव या कार्ड के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो। नंबर 2 SAD40। अभी गाइस अगर आप एक म्यूजिक लवर हो और आपको म्यूजिक के लिए एक बेस्ट होम थिएटर चाहिए तो यार सोनी की तरफ से ये वाला ले सकते हो 10,000 रुपीज की प्राइस रेंज में। अगर आपको लेना है तो पहले इसका जो प्राइस है 8,490 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा अमेजोन पर और ऑफर में इसका जो प्राइस है काफी कम हो जाता है। अभी आपको एक पावरफुल बास मिलेगा, 80 वॉट का यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा बेस से और जो स्पीकर्स हैं, वेल ये जो होम थिएटर है स्पेशली डिजाइंड है पीसीज और टीवीज के लिए, मोस्टली म्यूजिक प्लेयर्स के लिए। वेल यहाँ पर आपको 4.1 का चैनल मिलता है, यहाँ पे 4 आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे साथ में और ये इसका जो लुक है काफी ज्यादा प्रीमियम और एलिगेंट देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको USB पोर्ट मिल जाएगा, SD कार्ड पोर्ट भी फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है। वेल सोनी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, सो वेल 100 बात की एक बात अगर मैं आपसे करूँ तो सोनी की तरफ से ये जो होम थिएटर है ना, अगर आप म्यूजिक लिसनिंग के लिए लेना चाहते हो तो बाकी होम थिएटर्स को भूल जाओ, डायरेक्ट सोनी वाला खरीद लेना, काफी कमाल का आपको साउंड मिलेगा इस वाले होम थिएटर से। वेल ये होम थिएटर भी ब्लूटूथ के साथ में आता है तो आप इसको ब्लूटूथ के जरिए आराम से यूज में ले सकते हैं। नंबर 3 Philips की तरफ से आने वाले ये जो होम थिएटर है ना ये भी मोस्ट अफोर्डेबल और काफी कन्वीनियंट होम थिएटर है। अभी इनका जो बजट है वो 8,400 रुपीज आपको देखने को मिलेगा अमेजोन पर। ये होम थिएटर 5.1 चैनल के साथ में आते हैं, यहाँ पे आपको जो सब ऊपर देखने को मिलता है ना इसका वो काफी कमाल देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, राइट साइड में आपको इसका बेस मिलेगा, 5 स्पीकर्स मिल जाएंगे जिनका साइज काफी लिटरली काफी छोटा देखने को मिलता है। वेल इसका जो आउटपुट है वो 120 वॉट का है और फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूँ तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आपको फ्रीक्वेंसी रेट देखने को मिल जाएगी। वेल इसमें आपको FM ट्यूनर भी देखने को मिल जाता है, MP3 PG सभी से आप कनेक्ट कर पाओगे। नंबर 4 Artist MS8877। गाइज अभी बारी आती है गेमर्स की या फिर PC लवर्स की, सो अगर आपको होम थिएटर PC के लिए लेना चाहते हो ना या फिर आपको गेमिंग रूम है या मैं बात करूँ आप TV के लिए भी लेना चाहते हो बट आपको काफी ज्यादा स्टाइलिश होम थिएटर चाहिए तो आप Artist की तरफ से ये होम थिएटर ले सकते हो। ये आपको FM, ऑक्स और USB ब्लूटूथ होम ऑडियो का सपोर्ट देते हैं, यहाँ पे आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो 5 स्पीकर है उनमें आपको RGB लाइटनिंग देखने को मिल जाती है सब ऊपर में, फ्रंट में आपको LED देखने को मिल जाती है, सब ऊपर के ऑडियो आउटपुट की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 120 वॉट है, इसके अलावा डिजिटल LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वेल गाइस अगर आप कोई होम थिएटर लेना चाहते हो और आपको जो उनका लुक है काफी अच्छा चाहिए तो आप ये वाले ले सकते हो। वेल ये भी काफी अच्छे होम थिएटर है अगर आप 9,500 रुपए के बजट में स्पेशली किसी के लिए कोई होम थिएटर लेना चाहते हो तो आप ये वाले ले सकते हो।
नंबर 5 इम्पैक्स 5.1 इम्पैक्स की तरफ से आने वाले ये जो होम थिएटर्स है ना ये भी काफी अफोर्डेबल और कम प्राइस में देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इसका जो प्राइस है 8000 है फिलहाल। यहाँ पे इनका जो कलर है वो आपको ब्लैक मिलता है। अगर सभी होम थिएटर्स में आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करो इस वाले होम थिएटर की तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लेकर FM तक का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास आईपॉड है तो आप उससे भी इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, 1 सबवूफर देखने को मिल जाएगा जो कि एक नॉर्मल लुक के साथ में देखने को मिलता है। अभी इसका जो सबवूफर है वो आपको 80 वॉट का आउटपुट दे देगा और जो ओवरऑल आउटपुट है सभी स्पीकर और वूफर्स को मिला के आपको ऑलमोस्ट 140 वॉट का देखने को मिल जाएगा जो कि एक रूम के हिसाब से या फिर टीवी वगैरह के हिसाब से काफी सही है। ये वाला वूफर भी काफी सही है अगर आप 10,000 रुपीज के प्राइस रेंज पर कोई होम थिएटर लेना चाहते हो। बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना इसको लाइक कर दो और मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से आप कौन सा होम थिएटर लेने वाले हो या कौन सा ऑलरेडी ले चुके हो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।